तो चलिए गाइस, यहाँ पर इस वीडियो में मैं बात करने वाला मी वाई 13 के लिए जो लिस्ट निकल के आई थी सेकंड बैच की, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कौन सी डिवाइस को कब तक अपडेट देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 दोनों बताए गए। तो क्वार्टर 2 में कौन सी डिवाइस को अपडेट मिल सकता है और क्वार्टर 3 में कौन सी डिवाइस को अपडेट मिल सकता है, यानी कि सबसे जल्दी अपडेट किसको मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप लोग शाओमी का कोई भी डिवाइस यूज करते तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑल पे पिक कर देना। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर बता चुका हूँ, सेकंड बैच की लिस्ट आई है और इसकी लिस्ट की वीडियो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ ये जो लिस्ट है इनमें से सबसे पहले डिवाइस कौन से होंगे जिनको अपडेट जल्दी देखने के लिए मिलने वाले, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वार्टर 2 के लिए डिवाइस को अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे, उसके बाद क्वार्टर 3 के लिए, ठीक है। क्वार्टर 2 में कौन से डिवाइस को अपडेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले जो डिवाइस देखने को मिल जाएंगे MI 10 सीरीज। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो MI नोट 10 सीरीज है, MI नोट 10 है, MI नोट 10 प्रो है, MI नोट 10 लाइट है। तो यहाँ पर इसके अलावा MI 10 लाइट है, MI 10T, MI 10T लाइट है, MI 10T प्रो है। तो ये जो डिवाइस है यार, इनको सबसे पहले अपडेट देखने के लिए मिलने वाले, और ये अपडेट आने वाले समय में अपकमिंग डेज में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि कब से, तो अप्रैल के मंथ से तो क्वार्टर 2 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अप्रैल में जून के आसपास क्वार्टर 2 के लिए अपडेट रिलीज किया जाएंगे और जून के बाद क्वार्टर 3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो अपडेट्स मिलेंगे वो MI 10 सीरीज के लिए ही अपडेट मिलने वाले, MI नोट 10, MI 10 सीरीज, जो कि आने वाले समय में देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है यहाँ पर अप्रैल एंड से मिलना स्टार्ट हो जाए, कुछ डिवाइस को अपडेट मिलना भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर जिनको नहीं मिलता उनको मई के अपडेट में मिलना स्टार्ट हो जाए, मई के मंथ में अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस होगा कौन सा अपडेट होगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे Redmi Note 9 सीरीज है, ठीक है, और Redmi Note 10 सीरीज, यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Redmi Note 10S का नाम है। Redmi Note 10S के लिए भी जल्दी अपडेट्स देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि मई के मंथ में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मई के एंड तक वेट करो, मई के एंड तक आप लोग को सभी यूजर को Redmi Note 10S में इंडिया में MIUI 13 अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट डिवाइस होता है Redmi Note 9S है और Redmi Note 9 Pro है। तो ये जो डिवाइस है ये दो डिवाइस को भी सेकंड बैच की लिस्ट में अपडेट देखने के मिलेगा क्वार्टर 2 में, ठीक है। क्वार्टर 2 में यानी कि अप्रैल मई और जून के बीच में ही इनको अपडेट्स मिलने वाले। अब ये जो अपडेट है मई और जून के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा Redmi Note 9S में, Redmi Note 9 Pro में और Redmi Note 9 में, जो कि ग्लोबल वेरियंट के लिए देखने के लिए मिलेगा। इंडिया में बात करूँ तो इंडिया में Redmi Note 9 का जो डिवाइस है उनके लिए अपडेट थोड़ा सा डिले मिलेगा, यानी कि क्वार्टर 3 में देखने के लिए मिल जाएगा। क्वार्टर 3 में Redmi Note 9 का नाम देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि क्वार्टर 3 में जून के बाद Redmi Note 9 के लिए इंडिया में MIUI 13 अपडेट मिलेगा, और जून से पहले यानी कि अप्रैल मई और जून इनके बीच में Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max के लिए MIUI 13 अपडेट देखने के लिए मिलेगा, MIUI 13 अपडेट देखने के लिए मिलेगा। अब नेक्स्ट डिवाइस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं Redmi 9 सीरीज बताई गई है, Redmi 9T है, 9A है, Redmi 9AT है, Redmi 9C है, तो इनके लिए अपडेट कब मिलेगा? यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहले जो न्यूज़ निकल के आई थी कि अगस्त में अपडेट मिलने वाले हैं Redmi Note 9, Redmi 9 Power और Redmi 9 Prime, तो इन तीन डिवाइस के बारे में मैं अगेन वही चीज़ बताऊंगा कि अगस्त के आसपास अपडेट मिलेंगी, जो कि क्वार्टर 3 में होगा, ठीक है। क्वार्टर 3 में Redmi 9 Prime के लिए, जो कि ग्लोबल में Redmi 9 के नाम से देखने के लिए मिलता है, और Redmi 9T जो कि इंडिया में Redmi 9 Power के नाम से देखने के लिए मिलता है, और इसके अलावा Redmi Note 9 का डिवाइस। तो ये तीन डिवाइस है इनको तो यार क्वार्टर 3 में ही इंडिया में अपडेट देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि अगस्त और जुलाई के आसपास MIUI 13 का अपडेट। इसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट डिवाइस है Redmi 9A की सीरीज है, ठीक है। तो Redmi 9A के लिए अभी तक इनहेंस एडिशन अपडेट नहीं मिला है, बट यहाँ पर मुझे लगता है आपको क्वार्टर 3 में ही अपडेट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। क्वार्टर 3 में Redmi 9A सीरीज के लिए भी MIUI 13 अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे लगता है अगस्त के मंथ में आप लोग को अपडेट्स मिलना स्टार्ट हो सकते हैं क्वार्टर 3 में। तो यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारे डिवाइस के बारे में बता दिया, अब कुछ डिवाइस और रह गए। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो Redmi 9i, यानी कि यार यहाँ पर ये जो Redmi 9 सीरीज की जितने भी डिवाइस हैं इनको अपडेट्स मिलेंगे लेकिन क्वार्टर 3 में मिलेंगे, जो कि जून के बाद ही देखने के लिए मिलेंगे। और जून से पहले MI 10 सीरीज है, MI Note 10 सीरीज है और Redmi Note 10S है और Redmi Note 9S है, Redmi Note 9 Pro है, इनको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा और कौन से डिवाइस जिसको यहाँ पर अप्रैल मई जून के आसपास अपडेट मिल सकते हैं, तो वो डिवाइस है गाइस यहाँ पर Redmi Note 10 5G और इसके अलावा Redmi Note 10 5G, 10T 5G, ये डिवाइस को भी अपडेट जून से पहले मिल जाएंगी, यानी कि मई और जून के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पोको M3 का नाम देखने के लिए मिलता है, तो मैं आपको बता दूँ पोको M3 का नाम आपको इसलिए लिस्ट में तो मिल जाता है लेकिन अपडेट इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला है। तो अपडेट के लिए आप लोग को कम से कम अगस्त के मंथ का वेट करना पड़ेगा, यानी कि क्वार्टर 3 के लिए। पोको C3, पोको C31 इनके लिए भी क्वार्टर 3 में अपडेट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन
पोको M2 Pro के लिए चांस काफ़ी ज़्यादा है कि आपको सेकेंड बैच के Q2 में अपडेट देखने के लिए मिल जाए, यानी कि Q2 में यानी कि जून के आसपास अपडेट शायद देखने के लिए मिल जाए। और मुझे लगता है कि पोको M2 Pro के लिए इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, जून के आसपास MIUI 13 अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा इंडिया में। इसके अलावा पोको M3 Pro की बात करूँ तो इनके लिए भी गाइस यहाँ पर जून के मंथ में ही MIUI 13 अपडेट देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो जितने भी डिवाइस थे उनके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, इन सभी डिवाइस को जुलाई के बाद मिलेगा, कौन से डिवाइस को जून से पहले मिलेगा यानी कि मई और जून के आसपास, तो सभी डिवाइस के बारे में मैंने बता दिया। बस एक यहाँ पर डिवाइस रह गया, रेडमी 10 प्राइम के लिए वेट करो, आपको आने वाले समय में जल्दी अपडेट्स मिलने वाले। तो गाइस यहाँ पर ये था लिस्ट जिनको सबसे पहले Q2 में डिवाइस को अपडेट्स मिल सकते हो, Q3 में कौन से डिवाइस को अपडेट्स मिल सकते, तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आपके डिवाइस में कब तक अपडेट मिल सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर पोको X3 के बारे में काफी लोगों के सवाल आएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पोको X3 के लिए एक अलग से वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी थोड़ी देर में, तो थोड़ा सा वेट करो, वो आपको पता चल जाएगा कब तक अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद करो आप लोग वीडियो पसंद आई फटाफट से इसको लाइक कर लो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बटन ऑल पे क्लिक कर देना ताकि अपडेट मिलना स्टार्ट होगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी अपडेट के बारे में पता चल जाए।